नमस्कार दोस्तों, एज ए ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, कल बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन क्या कर सकते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने यस्टरडे आपको जो लेवल दिए थे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, उसका उसने आज क्या किया। ऐसे यहाँ पर आप चेक करोगे, मैंने आपको कल बोला था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर अपसाइड में 36,822 ब्रेक करेगा तो उसका पहला था कि मैंने आपको दिया था 37,050 के करीब। और अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो उसने ओपनिंग हुआ है 36,738 पे और उसने हाई मारा है फ्रेंड्स 37,011 का, उसने हाई मारा है। तो यहाँ से बाद में क्या हुआ, 5 मिनट की चार्ट में आप चेक करो, 15 मिनट की चार्ट है फ्रेंड्स ये, और में सेकंड कैंडल जो बनी वो लगातार नीचे आ गई और डाउन में मैंने आपको टारगेट दिया था फ्रेंड्स 36,685 के नीचे जाएगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था, तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 36,620 और दूसरा टारगेट मैंने आपको डाउन की साइड में दिया था 36,490 के करीब आपको मैंने टारगेट दिया था बैंक निफ्टी में डाउन की साइड में। तो आप यहां पर चेक करोगे ये दोनों टारगेट फ्रेंड्स डाउन की साइड में अच्छी हो गया और उसने आज का लो मारा है फ्रेंड्स 36,464 के करीब उसने लो मारा है आज बैंक निफ्टी ने। तो ऑलमोस्ट मैंने जो टारगेट दिए थे डाउन की साइड में वो दो टारगेट आ गए और तीसरा टारगेट आने का बाकी अभी 36,340 के करीब। तो आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है अभी। फ्रेंड्स अभी 8 बजे है, हम देखते हैं तो SGX निफ्टी 60,568 के करीब चल रहा है और हमारा SGX निफ्टी 16,631 पे बंद हुआ है। तो करीबन यहाँ पे 40 पॉइंट माइनस दिखा रहा है और यहाँ पे डाउन जोंस फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, फ्लैट चल रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स हमारे बैंक निफ्टी में। इससे पहले मैं थोड़ा लेवल में एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आए उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्रेंड्स। और जो भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उससे मेरा गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स कल के लिए मैं न्यू ट्रेडिंग जोन ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पे ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना होता है फ्रेंड्स, ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है हर बार। आज उसका क्लोजिंग हुआ है 36,726 पे उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर मुझे लगता है फ्रेंड्स अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है फ्रेंड्स 15 मिनट की चार्ट में, तो ये यहाँ पर सपोर्ट का भी काम कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर कल बैंक निफ्टी अपसाइड में 36,889 को ब्रेक करेगा, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ से यहाँ तक 36,660 से लेके 36,890 के बीच में ओपन होता है और अगर अपसाइड में 36,890 ब्रेक करेगा तो उसका एक ही टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको, 37 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि कल अपसाइड में आप कोई भी ट्रेड ना ले, अगर ये ब्रेक करेगा तो भी वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे एक बुलिश के अंदर नहीं लेकिन बेरिश के अंदर बनने का हम वेट करेंगे और वहाँ पे हम पुट ले बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स कल। और डाउन के साइड में अगर फ्रेंड्स 36,660 ब्रेक करता है ये वाला लेवल तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 36,570। दूसरा टारगेट आ सकता है उसका ब्रेक करेगा तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ फ्रेंड्स 36,570। दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 36,460 और तीसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 36,350 के करीब ये वाला। ओके ये हमारा हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का कल के लिए ये लेवल। तो ये देखते हैं अब निफ्टी में क्या हो सकता है कल के लिए। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया फ्रेंड्स। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखते हैं वन डे के चार्ट में क्या नज़र आ रहा है हमें फ्रेंड्स। ये लेवल को मैं हाइक कर देता हूँ अभी फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चेक करोगे वन डे के कैंडल में बैंक निफ्टी ने एक डोजी टाइप के कैंडल बनाया है। अगर टुमारो आज के लो को ब्रेक करता है, यानी आज का लो कितना है 36,464 को ब्रेक करेगा तो वो
इस वीक में 35,700 भी आ सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। निफ्टी में मैंने फ्रेंड्स आपको आज लेवल दिए थे कि अगर 16,750 से लेकर 16,690 के बीच में रुकान होता है और अगर 16,690 को ब्रेक करता है तो मैंने आपको तीन धड़के दिए थे फ्रेंड्स, 16,660, 16,620 और तीसरा धड़के मैंने आपको दिया था 16,580। और उसने आज का लो मारा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो उसका लो है 16,564 पे उसका लो है, यानी हमारा तीनों धड़के डाउन की साइड में अचीव हो गया। और उसने आज का ओपनिंग दिया था फ्रेंड्स 16,671 पे उसका ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे उसका ओपनिंग हुआ था। तो अगर किसी ने पुट बाय किया होगा तो यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट उसने कैचअप किया होगा। तो आइए देखते हैं कल निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स। 16,636 से लेके 16,565 ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा कल के लिए। और अगर बाय चांस कल निफ्टी ने 16,565 ब्रेक किया डाउन की साइड में तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 16,520 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में निफ्टी का ये वाला, इसको मैं निकाल लेता हूँ। और ये टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स कल के लिए 16,780। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो ये जो हमारा गैप पड़ा है उसको फिल करने के लिए नीचे आ सकता है निफ्टी, वो हमें देखना है। यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, तो देखते हैं वो कल आता है या नहीं आता। यहाँ पे आएगा 16,360 का लेवल आ रहा है अभी निकल के, ओके। और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर 16,636 निकलेगा तो पहला टारगेट आएगा उसका 16,680 और दूसरा टारगेट आएगा उसका फ्रेंड्स अपसाइड में 16,750। लेकिन मुझे लगता है तब तक ये डाउन की साइड में जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अमेरिका में फेड का मीटिंग भी चालू होगा, उसका रिजल्ट आएगा बुधवार को रात को रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होने की पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स हमारे मार्केट में। और अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी और निफ्टी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।